कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड आप सबको हैप्पी दिवाली गाइस। दिवाली कल है, अरे चलिए गाइस, तो दिवाली कब है क्या है मुझे नहीं पता है, बट फिर भी आप सबको हैप्पी दिवाली। कल दिवाली है तो दिवाली हम कल मनाएंगे, परसों तो परसों मनाएंगे, जब भी रहेगा तभी मनाएंगे। एनीवेज दिवाली जब है मनाएंगे, दिवाली है फेस्टिवल है वो तो हर कोई मनाएगा, बट मैंने मीशो से कुछ मंगाई थी तो आपके साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली अभी आया मेरा पार्सल। मैंने गाइस मंगाई थी रुकमणी फ्लावर्स, मतलब प्लांट, बीज बीज नहीं, मैंने प्लांट मंगाई थी रुकमणी का, चार कॉम्बो में आया था रुकमणी फ्लावर्स। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैसे होता है क्या है, तो मैंने ऐसे स्क्रोलिंग पे देखा था, लाइक वो ऐसे बड़े बड़े ऐसे पूरे कॉम्बो वाले होते हैं फ्लावर्स, मुझे अच्छा लगा था। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये वाला प्लांट है रुकमणी का, रुकमिनी, अब वहाँ पे रुकमिनी लिखा था क्या है वो मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैंने मंगा लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी पार्सल है, मैंने खोली भी नहीं हूँ, तो चलिए देखते हैं। हो गया तो गाइज देखिए ऐसे आया है इसका पार्सल, थोड़ा हैवी भी है। अभी मुझे तो चार बताया था कि चार होगा, तो लेट्स सी कि ये चार है या कितना है क्या है। तो गाइज पहले मैं इसको खोल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइज, तो यहाँ पे देखिए मैंने खोल दिया है एंड देखते हैं जैसे मीशो ने बोला था वैसा है या नहीं। मुझे चार का बोला था तो ये चार है या नहीं वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो यस, एक में दो है क्योंकि ये मुझे देखिए फील हो रहा है, एक के अंदर दो है, तो ये चिपका हुआ। कभी ये निकालो, ये लो रिमाउंड रखो हाथ से, पहले ये बराबर से निकालो, पकड़ो आराम से आराम से। मायशा तुम पीछे हटो बेटा। दूसरा वाला भी निकाल लो। हाँ वेरी गुड, हाँ मुझे मुझे लगा नहीं था कि इतना वेल आएगा, बहुत बहुत अच्छा आया। मुझे तो लगा था सूखा हुआ झाड़ होगा और पता नहीं कैसे आएगा, बट स्टिल बहुत 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 अच्छा है। इसकी कटिंग भी होगी बिकॉज इसकी कटिंग करनी पड़ेगी गाइज, ऑलरेडी किसी ने किया हुआ क्योंकि यहाँ से दिख रहा है मुझे, बट मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा, अब ये देखिए आप देख सकते हो ये थोड़ा सा, बट स्टिल नेवर माइंड, क्योंकि अगर देखिए आपने ऑनलाइन मंगाया है उस हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये देखिए सूखा नहीं है, स्पेशली ये सूखा नहीं है कहीं से भी, खोलो उसको, हाँ ये घाटी खोलो कहीं से भी गाइस, ये बिल्कुल भी सूखा नहीं है, तो मुझे तो ठीक लग रहा है। अभी ओपन करके देखते हैं, संभल के अंदर, हाँ देखिए गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी के अंदर, हाँ वेरी गुड। और ये गीली नहीं गाइस, ये चिकनी मिट्टी होती है ना जिसकी, देखो पानी मतलब जल्दी ये सूखता नहीं है, तो ये चिकनी मिट्टी के अंदर है गाइस। ये देखिए चार एग्जैक्टली, मतलब जैसा मुझे बोला गया ये वैसा ही दिया दिखाया गया, चार बार बार है। हाँ यहाँ पे देखो, खराब मत करो, अब भी गाइज मेरे घर साफ किया है, तो चार है, डेफिनेटली चार है गाइज। तो इससे पहले गाइज मैंने मंगवाया था लीली, रेन लीली मंगवाया था, रजनीगंधा हो गया, अब ये हो गया रुकमणी, यानी कि मैंने बहनों को मंगवा लिया है, लीली रुकमणी रजनीगंधा। आराम से शहर तो छोड़ो, आराम से निकालो, इसी में रखो, ये भी दो है ना, ओके गाइज। तो देखे ये भी, वाह ये भी है, अभी मेरे पास गाइज मैं इसको, ये चारों को एक ही गमले में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को एक्चुअली जो फ्लावर्स चाहिए ना, रखो ना उधर, मेरे को ना अलग अलग सेपरेट, मैं एक खाली जो है ना एक को सेपरेट लगाऊंगी और जो तीन है वो एक ही गमले में जाएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा ही है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं गाइज, यस ये चार आया हुआ है। मम्मा ये हटाओ बॉक्स, हाँ इसको घुमा दो, यहाँ रखो। चलिए गाइज इसको मैंने सेट कर दिया, आप देख सकते हो गाइज, एक दो तीन चार, तो गाइज ये चार आया है अभी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा जेन्युइनली, मैं मेरी खुशी, आप अभी मैं आपको दिखा क्या बोलूँ, मैं देखो आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मतलब इतना अच्छा आएगा, क्योंकि हम ऑनलाइन जैसे मैंने मीशो से मंगाया, आई एम वेरी हैप्पी के मतलब इतना अच्छा आया है। एंड मैंने एक और चीज़ मंगवाया है बट वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो अभी आया नहीं है, और वो भी झाड़ है, बट देखो अगर ये यहाँ से आया है तो डेफिनेटली ये हर अलग अलग जगह से आता है, जैसे हम ऑर्डर करते हैं तो कुछ राजस्थान से,
जयपुर से, कलकत्ता से, ये ऐसे ऐसे जगहों से आता है। तो जो मैंने शोलापुर, दिल्ली, सब जगह से आता है। तो जो मैंने मंगवाया दूसरा वाला गाइस, वो कलकत्ता से आ रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा बी पेशेंट। बट यस, गार्डनिंग का जो मुझे भूत सवार हुआ था ना, ना अभी कंप्लीट है, बट वो आने के बाद कंप्लीट होगा। अदरवाइज लेट्स सी कि कैसे मैं इनको कटिंग करके इसकी, मतलब इसको मैं करती हूँ। तो चलिए अभी इसको मैं पहले की, देखो अभी दिवाली वगैरह चल रहा है, एंड मैंने कामवली का बोली थी आपको कि कामवली चली गई हो, बट मुझे एक आजी मिल गई बहुत अच्छे से कपड़ा धोकर। देखो बताती हूँ, ये देखिए कपड़ा धोकर वो सुखाकर, ये छोटे छोटे कपड़े यहाँ सुखा दिए, और जो बड़े कपड़े हैं वो अभी वापस से वो नीचे लेके गई हैं, क्योंकि वो नॉर्मली वो क्या करती है, नीचे ले जाके सुखा देती है और फिर घड़ी करके रिटर्न नीचे लाके, मतलब सॉरी बोलने पे भूल गई, मतलब वापस ऊपर लाकर दे देती, बट वो घड़ी करके रख देती है, लाकर देती है। तो मुझे अच्छा लगा, और अभी कल दिवाली है तो मैंने सोचा क्यों ना उनको भी कुछ दे, क्योंकि मैं देखो मार्केट गई नहीं हूँ, तो मैंने मिठाई वगैरह कुछ नहीं लाई। तो मैंने उनको ऐसी मुट्ठी बन करके जो मुझसे हुआ मैंने उनको दे दिया, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और वो उन्होंने मेरी ओनर को भी बोला कि मैं कबीर शबीर की मम्मी ने मेरे को ये दिया था, मतलब उनके चेहरे पर जो खुशी थी ना वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो चलिए गाइज, अभी फिलहाल तो यही घर का काम हो चुका है, कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, खाना वाना सब 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 डन। तो अभी फिलहाल ये जो गमला लाया है, मतलब जो आया है फूल जो है, भाई मेरी, मैं इतना खुश रहा कि मेरा जबान फिसल रहा है, तो इग्नोर कर दीजिए। गार्डनिंग करने का जो भूत सवार हुआ था मुझे, तो मेरी गार्डनिंग, मतलब आई लव गार्डनिंग यस। तो इसको मैं लगा देती हूँ, बिकॉज आई हैव, मेरे पास डब्बा है, जो मैंने सदाबहार लगाई थी वो पूरा ख़राब, वो मर गया एक्चुअली, तो मैंने वो डब्बा खाली करवा दिया कबीर से। अब ये मैं उसी में लगा देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखो 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 देखो, तो लगाने के बाद गाइज मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगी, और थोड़ी थोड़ी मैं कटिंग कर दूंगी इसकी। कबीर बोल रहा है इसमें फूल आने वाला है, तो मैं बोली नहीं नहीं इसकी कटिंग करनी होगी थोड़ी सी। तो चलिए ये सब गाइज लगा देते हैं गमले में, उसके बाद देखिए गाइज मैंने यहाँ पे पॉट वगैरह ले लिया है। इसमें भी गाइज, इसमें मिट्टी और सर, इसमें दो चीज़ मिक्स है ऑलरेडी, एंड यहाँ पे लाल मिट्टी भी है, एंड मेरे पास अभी यहाँ पे कोकोपीट भी है, कोकोपीट वगैरह सब रख दी गाइज। तो इसको मैं इसमें लगाऊंगी, बड़ा डब्बा है देखिए, तो तीन आएगा इसके अंदर और एक आएगा इसके अंदर, एक सेपरेटली इसके अंदर आएगा। तो मैं भी इन तीनों को मिक्स करूंगी, मिक्स इट मीन्स, क्योंकि मेरे पास इसमें ऑलरेडी दो मिक्स है, बट मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके फिर ऐड करूंगी। कोकोपीट हो गया, मतलब नॉर्मल सॉइल हो गया, फिर चिकनी मिट्टी हो गई, बालू, ये सब मिक्स है। तो ये सब मिक्स करके गाइज मैं सब रेडी करती हूँ, और फिर पूरा अच्छे से हमारे छोटे छोटे प्लांट को इसमें, सॉरी प्लांट नहीं, हमारी रुक्मणी को इस प्लांट में शिफ्ट करते हैं ना। कभी कभी कौन, अपने पास कौन कौन सा झाड़ है, नाम बता। अरे बताओ बता, कौन कौन से फूल का झाड़ है अपने पास। अरे बता रहा, अभी चार नाम बताई थी मेरे पास। हाँ डन, रुक्मणी दो, रजनीगंधा राइट, दो, देखो तीन लेडीज है, दो जेंट्स है अपने पास। सदाबहार लेडीज की जैसे लग रहा है साउंड, या जेंट्स, सदाबहार आई थिंक लेडीज का साउंड आ रहा है, सदाबहार लेडीज हो गई चार, एंड अपराजिता पांच, यानी अपराजिता और फुलवारी भी तो है। हाँ फुलवारी भी है हमारे पास, हाँ लड़की, लड़के वाला तो कुछ ही नहीं है, गुलाब गुलाब है, गुलाब रोज लड़की, वो तो अपराजिता लड़का है। नहीं नहीं अपराजिता नहीं, लड़की का नाम है अपराजिता भी। रोज बोले तो लेडी हो गई, गुलाब बोले तो जेंट्स हो गया, तो हाँ। दोनों भी मिक्स है। खैर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए फटाफट से मिक्स करके लेते हैं। चलो तो गाइस हमने फाइनली लगा चुका है, देखिए गाइस इसके अंदर एक लगाया है, इसके अंदर भी एक, और इसके अंदर दो लगाया है, चार हो गए हैं। गाइस इसकी कटिंग भी करनी है, तो मैं इसकी थोड़ी सी कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये अभी अभी आया है तो थोड़ा बहुत मुझे कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक में, एक्चुअली मैं इस पर तीन लगाने वाली थी, पर फिर मैं सोची और बड़ा होगा तो एकदम घिस घिस हो जाएगा, तो नहीं। तो मेरे पास अभी गमला खत्म हो गया, तो ये अभी इसमें कर दी, जब ये और बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। हाँ अभी मैं मार्केट नहीं गई हूँ, मार्केट जाऊँगी तो गाइस मेरे को और चार पाँच गमले लाने हैं, क्योंकि मुझे अभी दो तीन वहाँ पे थोड़ा जो डब्बा चेंज करना है, तो अभी इसको मैं इसी में रखूंगी, जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब इसको शिफ्ट कर देंगे। तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये देखिए गाइस। हाँ इसके अंदर, मतलब इसके अंदर तो है, इसमें तीन हो गया,
तो ये एक चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे दिखाता कुछ है, लाते कुछ है, बट मुझे अच्छा लगा। तो चले गए जिसकी ना थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो गाइज, यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि ऊपर का हिस्सा खराब है तो मैंने उसकी अभी कटिंग कर दी, बिकॉज अभी जैसे कटिंग करेंगे तो ये और आएगा, तो मैंने कटिंग कर दी है इसकी। शायद इससे पहले भी किसी ने कटिंग किया था क्योंकि पत्ता कटा हुआ था, बट एनीवेज मैं अभी मेरे पास आया तो मैं अपने हिसाब से करूँगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ पे देखा, ये देखिए गाइज यहाँ पे और आ रहे हैं, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा और आ रहे हैं। तो गाइज एक की कटिंग हो गई है एंड यहाँ पर भी मैं कटिंग करूँगी, ये देखिए कटिंग कर दी। कटिंग करना बेस्ट होता है बिकॉज तभी आपके झाड़ ग्रो करते हैं। हो गया, ये दो के हो चुके हैं गाइस। अब इसकी बारी, इसकी बारी है। एक्चुअली ये लोग कटिंग करते रहते हैं क्योंकि वो ग्रो होता है, इसीलिए। ये देखिए इसका भी निकाल दिया, इसका भी निकाल दूंगी। कटिंग पॉइंट जो मेन बढ़ता है ना आपको वहीं से कटिंग करना, ये देखिए यहाँ से। तो ये गाइस मैंने कटिंग कर दिया है, चलिए ये हो गया गाइस कटिंग। तो अभी इसमें पानी वगैरह डालते हैं और इसको मैं वहाँ लगाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइस तो थोड़ा वेट करते हैं, इसको मैं रखती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। झाड़ तो मैंने सेट कर दिया है, अब इसमें पानी डालेंगे। अब देखते हैं ये रुकमणि कौन सा मनी देती है हमको। एक यहाँ पे लगा दी हूँ गाइस, दूसरा मैंने यहाँ लगा दी हूँ, दूसरा यहाँ लगा दी हूँ। यहाँ पे हो गया ये भी, एंड तीसरा वहाँ ऊपर लगाई हूँ तो उसको भी पानी दे देते। चलिए गाइस उसको भी पानी ऐड कर दी हूँ मैंने, देख सकते हैं यहाँ पर सब पानी वानी डाल दी गाइज, ये सब हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए आज का वे लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।